जनपद संभल की चंदौसी में सीएए के समर्थन में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला। नया नागरिकता कानून बनने के बाद से ही इसको लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। पहले देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और अब इसके समर्थन में लोग पैदल मार्च और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज सीए के संबंध में आज जन जागरण अभियान के तहत हम लोगों को जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करने का काम करेंगे कि सीए का मतलब ये है कि किसी की नागरिकता लेने का कोई सवाल नहीं है, नागरिकता देने का सवाल है। कुछ पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन, उन्होंने लोगों के गलतफहमी भर के कि इस कानून का विरोध करा जाए, उसके लिए उनको समझाने आए कि भोली भाली जनता को अब बहकलाया ना जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सीनियर लीडरों ने ये दूर कर दिया है कि कोई भी सीएए का किसी नागरिकता लेने का सवाल नहीं है, नागरिकता देने का काम है, जो कि चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, उसमें जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हिंदू भाई हैं, जिनकी वहाँ पे उत्पीड़न हो रही है, जिनके साथ जाति हो रही है, अगर वो लोग आ रहे हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान, इसलिए नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी भी यहाँ पे सारे समाज के लोग, किसी भी समाज के हो, उसको उसकी नागरिकता या यहाँ से उनको अलग करने का कोई भी ऐसा कानून नहीं। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आज पूरा हिंदू समाज, जनमानस, सर्व समाज के लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 125 करोड़ लोगों की बात की है, सबका साथ सबका विकास की बात की है, तो ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है ये किसी के अधिकार को लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो हिंदू वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए नागरिकता दी जाए, इसके लिए कानून है, किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने या संगठनों ने यह भ्रम फैलाने की स्थिति की है, इसलिए जागरूकता के रूप में सभी युवा, सभी साथियों के साथ एक शांति मार्च निकालने का संदेश देने का ये काम करेंगे और हम सब लोग इस सीए के मोदी जी के समर्थन का समर्थन देते हैं, समर्थन है में है, उनके पूरा देश उनके साथ है, इसके लिए निवेदन की जा रही है।